नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेटर न्यूज़ में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन। तो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो शिक्षण संस्थानों के लिए और खास करके छात्रों के लिए बहुत खास होने जा रहा है। लगभग 200 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यहाँ का वॉलेंटियर बनाया जा रहा है इस ट्रेड शो का। इसके अलावा कई कार्यक्रम भी होंगे जिसमें एकेडमिक सहयोग, नौकरियाँ, स्टार्टअप और कैरियर की संभावनाओं पर उद्योग और विशेषज्ञों और पैनलिस्ट से वो बातचीत कर सकेंगे। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के छात्र भी यहाँ आएंगे। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी AK2U में इनोवेशन हब के प्रमुख महीप सिंह, यूपी में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र और स्टार्टअप नीति 2020 और इनोवेशन हब पर सत्र लेंगे। इस सत्र में 1500 से अधिक छात्रों की भागीदारी की उम्मीद है। तो ऐसे में छात्रों के लिए ये शो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ग्रेनोनी से खास बातचीत में इंडिया एक्सपो मार्ट के चेयरमैन राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जो युवा हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो भी दर्शन दिखाएंगे कुछ ऐसा। कॉलेज के युवा, खासतौर पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के युवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी रिव्यू मीटिंग में यहाँ पर विशेष तौर पर जोर दिया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ के युवाओं को इस कार्यक्रम में इस तरह से साथ में इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो यहाँ के कार्यक्रम का अपने शिक्षा के साथ साथ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के नाते इसका लाभ उठा सकें। ऐसे में हम लोगों ने शिवनादर यूनिवर्सिटी के साथ, मिटी के साथ, शारदा के साथ, इन सब के साथ मिल करके हमने, और GBU के साथ मिल करके हमने एक एकेडमिया एंड इंडस्ट्री, एक ऐसा सेशन प्लान किया है। इसके अतिरिक्त शारदा यूनिवर्सिटी, GBU यूनिवर्सिटी, तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के बहुत से स्टूडेंट्स उन्होंने वहाँ हमारे यहाँ उनको एनरोल किया है। जो स्टूडेंट्स यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, हमारे अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो हमारी इंजीनियरिंग की टीम के साथ, अगर वो बिज़नेस का स्टूडेंट है तो बिज़नेस की टीम के साथ वो यहाँ मिल करके हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिससे कि वो एक तरह से यहाँ इंटर्नशिप के टाइप प्रोग्राम उनके लिए रहेगा कि वो 5 दिन 7 दिन वो सीखेंगे और उसका लाभ उठाएंगे, उसको सर्टिफिकेट भी देंगे और अपने साथ रखेंगे। इसके अतिरिक्त युवा अपने आप में स्टार्टअप के तौर पर इस एग्जीबिशन में अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ के थ्रू भाग ले रहे हैं। जैसे 108 युवा प्रतिभागी स्टार्टअप के तौर पर यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक हॉल नंबर 5 में अपने IT और ITS के जो उनकी उन्होंने इनोवेशंस और इनक्यूबेशन में जो काम किया है वो वहाँ लगाएंगे। और इसके अतिरिक्त बहुत से स्टार्टअप वाले युवा हॉल नंबर 9, 10, 14, 15 में भी वहाँ आ रहे हैं और हम समझते हैं कि ऐसे सभी युवाओं के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मंच है और उनके लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी सिद्ध होगी। तो आप थे राकेश कुमार जो ग्रेनोनी के साथ रूबरू थे, उन्होंने जानकारी दी कि ये एजुकेशन सेक्टर के लिए यह शो, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कैसे फ़ायदेमंद होने वाला है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।